नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक दोस्त स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ब्लॉक टू का चैप्टर नंबर 5, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे इंडिया में जो है नेशनलिज्म का उदय होता है और कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके वजह से ये नेशनलिज्म लोगों में जागी सॉरी और INC का फॉर्मेशन देखेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए इनके INC के खिलाफ या फिर जो पहले की ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके खिलाफ। और इन सब में जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था उसका क्या रोल है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैप्टर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है दोस्तों, तो आवाज़ थोड़ी दब के आ रही है, रियली सॉरी फॉर द सेम। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, जैसे कई दोस्त हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबे हैं आधा घंटे के, और आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखें ताकि आपका समय बचे और आप तक पूरा पूरा चैप्टर भी आप पढ़ सकें। मैं समझ सकता हूँ कि कई लोग वर्किंग होते हैं, उनके पास समय नहीं हो पाता और इतना डिटेल में जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उतना हर कोई नहीं देख पाता वीडियो। तो आप 1.5 स्पीड पे देखें, फटाफट आप देख पाएंगे और आपका पूरा मकसद भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं था कि 1857 के रिवोल्ट से पहले कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा था। पहले भी छुटपुट बहुत सारे रिवोल्ट होते रहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ हमेशा से ही, जब से वो 1757 से उन्होंने शुरुआत की थी दीवानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लिया था कलकत्ता का, बंगाल का, तब से लेकर के जब तक आज़ादी नहीं हमें मिली तब तक लगातार कहीं ना कहीं रिवोल्ट चलता रहे। और ये रिवोल्ट कभी छोटे होते थे कभी बड़े होते थे। जैसा कि हम जानते हैं 1760s में ही, मतलब 1757 में उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में आते ही 1760s में सन्यासी और फकीर रिबेलियंस होता है। और इसी तरीके से छोटे मोटे बहुत सारे रिबेलियन पहले भी होते रहे 1857 से पहले, जो कि एक तरीके से लोकल होते थे, पीजेंट पेस्ट होते थे, या फिर कोई एक जमींदार रिवोल्ट करता था, है ना। ज़्यादातर पीजेंट रिवोल्ट ही होते थे छोटे मोटे, जो कि टैक्सेस के हाई होने की वजह से होता था। तो 1857 एक, इसको क्या बोला जाए, हमेशा से हर हिस्टोरियन अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। मैं मानता हूँ आपके भी दिमाग में होगा, आप पढ़ते आए हैं कि ये एक सिपाही मेटनी थी, सिपाही मेटनी थी या सिपाही विद्रोह था, या फिर इसमें बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा तो था नहीं सिर्फ सिपाहियों ने ही लड़ाई की थी, बाकी लोगों ने भी, जमींदारों ने भी की थी, इसमें सहयोग दिया था, पीजेंट्स ने भी सहयोग दिया था, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसको सिर्फ सिपाही मिटनी कहना भी गलत है। और ये मिटनी ऑब्वियसली बहुत बड़ी मिटनी थी, अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हाँ वो किस तरीके से अपने आप को सत्ता बचाए इंडिया में। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे हुए और इसके बाद तो बहुत ही सारे होंगे, आप जानते ही हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो आपने पहले किताब पढ़ी है उसमें। तो लोगों में कहीं ना कहीं एकता की भावना तो आती जा रही थी। और एकता की भावना क्यों आ रही थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हम सबका एक ही दुश्मन है, वो है ये अंग्रेज। क्योंकि वो जहाँ भी मिलते थे एक दूसरे से, अगर जाते थे यहाँ से वहाँ दूसरे गांव, तो वहाँ भी अंग्रेजों का वही अत्याचार था। तो सबको कहीं ना कहीं ये था कि हाँ भाई ये अंग्रेज ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमारी जो गरीबी है उसका कारण भी कहीं ना कहीं यही लोग हैं। अगर हमें इनसे मुक्ति मिल जाए तो हम जीवन ज़्यादा आसान हो सकेगा। फिर आप देखते हो 1857 का जो रिबेलियन होता है ज़बरदस्त, उसके में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप पढ़ भी चुके हो बहुत सारा पहले। तो 1857 के रिवेलियन में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना, बहुत बड़े लेवल पे लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और हालांकि एकता ना होने के कारण और बहुत सारे लोगों ने
अपोज किया इसका, तो हम जीत नहीं पाए अंग्रेजों से, लेकिन इसने लोगों को सोचने पर और भी ज़्यादा मजबूर किया कि हाँ हम एक अगर एक हो करके लड़े अंग्रेजों से तो इनको हराना पॉसिबल है। और इस ज़माने में 1857 के ज़माने में आप जानते हो कई लोगों ने कितनी बलिदानियाँ दी। हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम कभी नहीं भूल सकते, तात्या टोपे वगैरह, बहुत सारे ऐसे हजारों वीर जवान थे जिन्होंने, मंगल पांडे जो पहले थे जिन्होंने बिगुल बजाया 1857 की क्रांति का, जैसे कई लोग थे जिन्होंने मतलब एग्जाम्पलरी करेज दिखाते हुए और ब्रिटिशर्स का सामना किया। तो वो भी एक तरीके से एक दिल में जो लोगों की भावना जगाते थे कि हाँ राष्ट्रीय भावना जगाते थे कि हाँ देश के लिए भी मर मिटना जाता है सकता है। फिर 1857 एनी हाउ अंग्रेजों ने दबाया। उसके बाद फिर हम देखते हैं इमीडिएट 2 साल बाद 1859-60 में इंडिगो रिवोल्ट होता है फिर से, है ना, बंगाल में, कि लोग इतना ज़्यादा परेशान थे इंडिगो कल्टीवेशन से कि उन्होंने फिर से उसके खिलाफ ज़बरदस्त रिवोल्ट किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा उसके आगे। और एक नाटक बहुत ही फेमस है नील दर्पण करके, जो कि दीन बंधु मित्र ने लिखा था, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो वहाँ के लोकल किसानों को परेशान करते थे अपने फायदे के लिए। बहुत ही खूबसूरती से उसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है। और इसमें साफ साफ बताया गया कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो किस तरीके से हमारे देश के जो वेल्थ था उसका लूट रहे थे, और उसी की वजह से 1770 में बंगाल में फेमिन भी पड़ जाता है और उसमें लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। फिर 1873 में हम देखते हैं 1873 में कि पोपना डिस्ट्रिक्ट में फिर से रिवोल्ट होता है ईस्टर्न बंगाल में, और वो लोग जमींदार को रेंट देने से मना कर देते हैं और गवर्नमेंट को एक बार फिर से झुकना पड़ता है और बंगाल टेनेंसी एक्ट लाना पड़ता है 1885 में टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स। फिर 1879 में हम देखते हैं कि डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट गवर्नमेंट को लाना पड़ता है 1879 में टू प्रोटेक्ट पीजेंट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। होता क्या था कि यार बेचारे टैक्स देने के लिए उधार लेते थे मनी लेंडर्स से, है ना, और ये लोग फिर एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे पैसा वसूलते थे, मतलब 100 रुपये ले करके 1000-2000 रुपये ले रहे उनसे, बहुत बहुत ज़्यादा वसूलते थे पैसा, और मतलब नहीं देने पे उनकी ज़मीन जायदाद भी ये ले लेते थे, और इनके साथ सब मिले हुए थे पुलिस वगैरह और अंग्रेज वगैरह सब मिले हुए थे, तो कोई इनकी सुनवाई नहीं होती थी। और बेचारे गरीब किसान कहाँ, उस समय में पढ़े लिखे भी नहीं थे तो उनको पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, और ये उनका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। इसी तरीके से मालाबार वगैरह में, पंजाब वगैरह में हर जगह रिवोल्ट होता रहता था छोटा मोटा। तो हमने देखा कि 1857 ही एक स्टॉपेज नहीं था या कल्बिनेशन नहीं था बहुत बड़ा रिवोल्ट का, बल्कि उसके पहले भी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रिवोल्ट चलते रहे अंग्रेजों के खिलाफ। फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग क्या है कि जो जो यूथ था, है ना, वो पढ़ लिख के किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। देखिए 1857 में क्या होता है कि सबसे पहले कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खुलता है, जहाँ अपर जो अमीर लोग थे, अपर कास्ट के हिंदू थे, वो लोग जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, साइंस पढ़ते हैं, है ना। फिर बाद में 1835 में इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। अब शुरू में तो सबको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार ये इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली हमने, वेस्टर्न पढ़ाई कर ली, तो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंग्रेजों के साथ मिलने लग गई। लेकिन धीरे धीरे ये जैसे ऐसे लोग बढ़ते गए, है ना, जैसे ऐसे ज़्यादा ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होने लग गए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लग गई, क्योंकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने लग गया और कम लोगों को जगह मिलती थी। और दूसरा ये हुआ कि उन्होंने देखा कि यार ये अंग्रेज़ तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, एक पोजीशन के ऊपर तो उनकी प्रमोशन भी नहीं होती थी, सैलरी भी उनसे कम होती थी सेम काम के लिए, है ना, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। कहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी क्वालिटी की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, वेस्टर्न कंसेप्ट, तो कहाँ प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में रोज के रोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, तो उन्हें बड़ा ही
ऑड लगता था और एक तरीके से दोगलापन लगता था कि ये क्या है यार, पढ़ाते कुछ है करते कुछ है। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग जाता है और वो कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स उनके दिल में आने लग जाता है और अपने नेशन के प्रति, नेशनैलिटी के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ती है। और ये यही एजुकेटेड यूथ्स हैं जो फर्दर चल के आगे चल के एसोसिएशंस बनाने लग जाते हैं ताकि जो इंडियंस की, आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए ये एसोसिएशंस बनाते हैं। ठीक, ये थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में एसोसिएशंस बनती है। हम जानते हैं 1857 में चार्ल्सवुड की एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटीज खोली गई इंडिया में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो उससे और भी लोग पढ़े लिखे हो गए। जैसे जैसे लोगों में पढ़ लिख के बाहर आ रहे हैं तो उनमें और भी ज़्यादा अपने राइट्स को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है ना, और वो चाहते हैं गवर्नमेंट उन्हें और भी ज़्यादा राइट्स दे। पहले लोग क्या थे, देखो अंग्रेज़ों के आने से पहले लोग क्या थे, बड़े गाँव वाँव में रहते थे, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते थे, खेती बाड़ी किया, छोटा मोटा जो कारोबार कर रहा है वो, जब फिर बड़े लेवल पे जो करते थे उनकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग संतुष्ट थे अपने जीवन से। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि अचानक ही इनका इतना टैक्सेस वगैरह लेने लगे, प्लंडर कर दिया इन्होंने, जो लोकल आर्टिशंस वगैरह थे उनको बर्बाद कर दिया है ना, जो कपड़ा वपड़ा बनाते थे हम लोग, हमारा क्लॉथ विदेशों तक जाता था, वो सब इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी इन्होंने धीरे धीरे अपने पॉलिसीज के थ्रू, क्योंकि अपने वहाँ से सस्ते कपड़ा लाते थे, यहाँ बेचते थे, तो हमारे ऑब्वियसली धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज खत्म होते चली गई जो हैंडीक्राफ्ट की इंडिया में इंडस्ट्रीज थी। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये चीज़ें उतनी तेज़ी से ग्रैस्प नहीं कर पाए, हालांकि समझ तो सबको ही थी, लेकिन पढ़ने के बाद उनको और भी चीज़ें पता चली कि हाँ भाई लिबर्टी, लिबरल जैसा राइट होता है ना, सब बराबर हैं, किसी को किसी पर राज करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स भी सामने आए वेस्टर्न एजुकेशन के उनके सामने, तो वो और भी ज़्यादा इनके अगेंस्ट हुए कि तुम ये चीज़ें कैसा कर सकते हो हमारे साथ। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल राइट ना मिलना, इससे मतलब पढ़े लिखे जो इंटेलिजेंस लोग थे उन लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं थी और वो बड़ा अजीब सा भी फेस करते थे, तो उनको बहुत ही दुख होता था इस चीज़ को लेके। और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने ही सिविलाइजेशन के बारे में जानने लग जाते हैं। और आप देखो कि इसी काल में बहुत ज़्यादा इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन हिस्ट्री पे रिसर्च होता है और बहुत कुछ पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता वगैरह, इंडस सभ्यता वगैरह के इसी ज़माने में पता चलता है, क्योंकि हमारे इंडियंस की रिसर्च वगैरह थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने भी, कुछ अंग्रेज़ों ने भी बहुत हेल्प की हमारी, लेकिन इंडियंस ने जान लगाई और अपने सभ्यता को खुद खोजा और एक प्राइड उनको मिली कि हाँ देखो हम, हमारी सभ्यता बहुत ही ज़्यादा, हमारा इतिहास बहुत ही ज़्यादा वो है, गोल्डन रहा है और हम किसी से कम नहीं है। ये प्राइड का एक उनको मौका मिलता है। तो इस तरीके से ये जो इंटेलिजेंशियल लोग थे, इन लोगों ने खुद तो पहले इस चीज़ को फील किया ही किया, साथ ही साथ इन्होंने मासेस को भी बताना, जागरूक करना शुरू किया धीरे धीरे, है ना, कि भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे राइट्स हैं, है ना। और लोगों को बताते थे, इवन इन लोगों का अगर देखो, अंग्रेज ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि एक मिस्टर रेवरेंड जेम्स लॉन्ग करके, उसने बताया कि किस तरीके से जो लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में, वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस में पेपर शुरू किए, फॉर एग्जांपल बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, है ना, हिंदी तो ऑब्वियसली। तो इन लैंग्वेजेस में पेपर जब शुरू किया तो तब भी पढ़ने लिखने वाले उतने लोग तो होते नहीं थे, तो ये क्या करते थे, एक जगह बैठते थे, फिर एक आदमी उनको पढ़ के सुनाता था पेपर, है ना। तो उसमें पढ़े लिखे लोगों के विचार, विचार आर्टिकल्स होते थे जैसे आज भी आते हैं, और उसमें बताया जाता था कि इस तरीके से अंग्रेज हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन कर रहे हैं। और उन पेपरों में सिर्फ यही नहीं होता था, उन पेपरों में इवन ब्रिटिश पेपर्स के ट्रांसलेशन के भी होता था, है ना, क्योंकि उस जमाने में इंग्लिश तो पढ़ ही चुके थे वो लोग भी, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को भी ट्रांसलेट करके इनको, आम आदमियों को बताते थे। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू की बहुत सारी, ताकि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जा सके। तो हम देखते हैं बहुत सारी
एसोसिएशन सामने आती है। और जो अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, जो लोगों तक पहुंचाने की बात थी, उनमें से दादा भाई नारोजी और रमेश चंद्र दत्त का नाम सबसे अग्रणी है, सबसे आगे आता है। और उन्होंने बताया कि देखो, उन्होंने ड्रेन थ्योरी लाए थे दादा भाई नारोजी, हम सब जानते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और रमेश चंद्र दत्त जी ने भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये लोग हमारे ड्रेन कर रहे हैं, और जितनी भी फैसिलिटी जैसे रेलवे है, टेलीग्राफ है, या कोई भी और जो ये लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह का रख रहे हैं, ये सब ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि और भी ज़्यादा हमारे देश का शोषण कर सकें। तो देखते हैं, कई सारी छोटी छोटी एसोसिएशन सामने आने लग जाती है, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में 1851 में फॉर्म होती है, जो कि जमींदार लोगों ने बनाई थी बंगाल बिहार उड़ीसा की। फिर दूसरी आती है लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आती है बंगाल में, है ना। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आती है, फिर बॉम्बे एसोसिएशन आती है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन आती है, ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन समझ आती हैं जो कि अलग अलग डिमांड्स रखती थी। ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे, अपने लोकल लेवल के डिमांड्स को रेफर करते थे, इनका ये नहीं था कि हाँ भाई एकदम नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा किया जाए। ये लोग अपने लोकल जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको हाईलाइट करती थी और कोशिश करते थे कि गवर्नमेंट इसको इस पर कुछ एक्शन ले और उनको राइट्स दे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं यार, हमें इन एसोसिएशंस लोकल लेवल पे तो हैं, लेकिन हमें एक नेशनल लेवल पे एसोसिएशन चाहिए होगी, ताकि सरकार पे ज़्यादा दबाव बनाया जा सके कि हाँ इतने सारे लोग मिल के बोल रहे हैं। अभी तक वो अपने अपने इलाके के बोल रहे हैं, गवर्नमेंट सुनती थी नहीं सुनती थी, लेकिन सब एक कॉमन एजेंडा बना के बोलेंगे तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये भी बात उठने लगी कि एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हम इंडियंस का। तो उसमें एक इंडियन लीग सामने आती है ना। फिर आती है एक और इंडियन एसोसिएशन का केस सामने आती है, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने 1876 में कलकत्ता में शुरू की थी। और इस इंडियन एसोसिएशन ने डिमांड किया सबसे पहले कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, ये सबसे पहले तो हम इंडियंस के लिए खोलो, है ना। फिर उन्होंने और भी डिमांड रखी कि देखो, जो इलेक्शन होता है म्यूनसिपैलिटीज में, तुम डायरेक्ट अपॉइंट करते हो, उसके जगह पे तुम इंडियंस को इलेक्ट करो, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करो। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके भी अगेंस्ट इन्होंने खूब आवाज़ उठाई। फिर पूना में एक एसोसिएशन थी, पूना सार्वजनिक सभा, राणा डे जी ने चलाई थी। तो वो भी डिमांड करते हैं कि हाँ भाई, पार्लियामेंट में इंडियन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। इसी तरीके से साउथ में भी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन आती है, फिर मद्रास महाजन सभा आती है। तो ये सब लोकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक तरीके से अब नेशनल लेवल की भी आवाज़ उठाने लग गए थे। अब देखो, अब नेशनल लेवल की आवाज़ कैसे उठ रही है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मांगा जा रहा है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पूरे देश पर लागू हुआ था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कॉमन कॉज के लिए। ICS खोलने की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब लोकल लेवल से उठ करके अब एक नेशनल लेवल के एजेंडे की बात होने लग गई थी। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक अभी फिलहाल। अब हम अगला जो टॉपिक है, ब्रिटिश मेजर्स वगैरह और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनता है फाउंडेशन है, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।